हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कार्तिक पूर्णिमा पर राजघाट राप्ती नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाया श्रद्धा की डुबकी, की अपने मनोकामना पूर्ण होने की कामना। गोरखपुर न्यूज के क्रिएटिव हेड रहे समाज सेवी स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को नम आंखों से दी गई दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें उनके पैतृक गांव पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके पिता गुलाब सिंह ने गरीब और असहाय में बांटे निःशुल्क कंबल। पुलिस झंडा दिवस पर एसएसपी ने किया ध्वजारोहण। पुलिस कर्मियों को पढ़कर सुनाया डीजीपी का संदेश, कहा पुलिस के लिए काफी मायने रखता है आज का दिन। लूट की घटना में वांछित 15,000 के इनामी बदमाश को सैजनवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम में आयोजित हुई स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यशाला, जिले को अच्छी रैंकिंग दिलाने पर दिया गया जोर। सर्दी और कोहरा को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, एसएसपी ने कहा किसी भी घटना की हो आशंका तो करें 100 नंबर पर फोन। विप द्वारा 25 नवंबर को अयोध्या में आयोजित धर्म सभा की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को अयोध्या पहुंचने की अपील। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे स्वच्छाग्रही संघ के आत्मदाह की चेतावनी मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी, एडीएम प्रशासन ने कहा शासन को भेजा जाएगा इनका मांग पत्र। अयोध्या में आयोजित धर्म सभा में पहुंचने के लिए विहिप कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। 25 नवंबर को आयोजित होगा ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन, देश के जाने माने शायर और कवि होंगे शामिल, डॉक्टर वजाहत करीम ने दी जानकारी। विश्व हिंदू परिषद में धर्म सभा में गोरख प्रांत में शामिल होंगे 50,000 कार्यकर्ता, प्रांत संगठन मंत्री ने दी जानकारी। प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया गुरु नानक देव की जयंती, आयोजित हुई गुरुवाणी कीर्तन और लंगर, गुरु ग्रंथ साहिब को लोगों ने किया नमन। और पुलिस लाइन परिसर में आयोजित हुआ योग प्रणाम शिविर, पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कराया गया योग।